Friends, today we'll talk about our first writer of Enlightenment age, Alexander Pope. मेरी सारी वीडियोस आप sequentially देखिएगा तो आपको अच्छे से interest भी create होएगा और बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा आपको English literature. तो first writer हमारे Alexander Pope, Enlightenment age के, and he was a Catholic. And Pope is the name given to the people who belong to the Catholic race. जो Catholic race को belong करते थे उनको ये नाम दिया जाता था. And because he was Catholic, he was barred from attending university, any university. And he learned Greek and Latin from the local priest. जो आसपास के जो church में priest होते हैं उनसे उन्होंने सीखा. And attended Catholic school, और उन्होंने Catholic school को attend किया. He learned languages through the art of translation. Later he got tuberculosis. उनको tuberculosis जो TB होता है वो हो गया था. And Pott's disease हो गई थी. He had a weak spine and due to this he was not able to grow any further. उसके वजह से उनकी growth वहीं पे रुक गई थी. एंड ही वॉज नॉट एबल टू ग्रो मोर देन 4 feet 6 inches. तो 4 feet 6 inches से ज़्यादा लंबे नहीं हो पाए थे. ही वेंट टू लंडन, देर ही लर्न फ्रेंच एंड इटालियन. लंडन गए, उन्होंने फ्रेंच एंड इटालियन सीखी. गॉट फ्रेंड्स लाइक विलियम विचले, विलियम कॉन्ग्रीव, तो उनसे उनकी दोस्ती हुई. एंड टॉरी पार्टी जो राइटर्स थे उनसे उनकी दोस्ती हुई. टॉरी पार्टी राइटर्स कौन कौन से थे? जॉन गे, शिफ्ट एंड थॉमस पर्नेल एंड जॉन अर्बसनॉट. ये सारे टॉरी पार्टी के राइटर्स थे. एंड इन सब ने मिलके एक क्लब बनाया जिसका नाम था स्क्रिबलर्स क्लब. अब कई बार पूछा जाता है मेंबर्स ऑफ द स्क्रिबलर्स क्लब और बहुत सारे नाम दिए जाते हैं, तो आपको ये नाम भी याद रखने हैं कि कौन कौन इस क्लब के मेंबर्स थे. ओके, तो दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड दिस क्लब इज़ मेड विद द एम टू सैटराइज इग्नोरेंस करप्शन विथ ए फिक्शनल कैरेक्टर नेम मार्टिनस क्रुबलस. तो एक फिक्शनल कैरेक्टर उन्होंने बनाया, उसके थ्रू ये सटायर करते थे, व्यंग करते थे जो भी करप्शन था, इग्नोरेंस था उसके ऊपर. ओके, जो फिक्शनल कैरेक्टर उन्होंने एक नाम दिया मार्टिनस क्रुबलस. तो ये भी आपको याद रखना है. ये मैं जो आपको नोट्स दे रही हूँ वो सारी चीज़ें जो भी इसमें लिखी हुई है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ये शॉर्ट नोट्स इसीलिए दी जा रही है ताकि आपको एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो, आराम से आप एग्ज़ाम अपना रिविज़न कर पाएँ और एग्ज़ाम क्रैक कर पाएँ. ओके, एंड विग जो पॉलिटिकल पार्टीज राइटर्स थे वो कौन कौन से थे? जोसेफ एडिसन, रिचर्ड स्टील, जो हम बाद में उनको पढ़ेंगे. तो आपको याद रखना है ये सारे टोरीज पार्टी के राइटर्स थे. और विग पार्टी के दो पार्टीज थी, मैंने मेरी लास्ट वीडियो इसलिए मैं बोलती हूँ कि ज़रूर देखिएगा ताकि आपको समझ में आए. तो जोसेफ एडिसन और रिचर्ड स्टील विग पार्टी के राइटर्स थे. एंड ग्लोरियस रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन द ईयर 1688 में ग्लोरियस रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ. एंड इन 1689 इन विच जेम्स टू वाज डीथ्रोन एंड विलियम द ऑरेंज डेमो डीमारी बिकेम द रूलर ऑफ इंग्लैंड. तो उनको रूलर बनाया गया इंग्लैंड का, विलियम को. एंड जोकोबाइट रिवेलियन ऑफ 1750, जो आपको याद रखना है, जोकोबाइट रिवेलियन हुआ था 1750, और इसे कैथोलिक रिवेलियन भी बोलते हैं. ओके, तो ये आपको याद रखना है, डबल एल है, कई स्पेलिंग्स थोड़ी मिस्टेक्स है तो आप देख लीजिएगा. बाकी मैं लास्ट में आपको स्लाइड्स भी प्रोवाइड करूँगी ताकि आपको दिक्कत ना हो. एंड पीपल प्रोटेस्टेड दैट वी डोंट वांट जॉर्ज वन टू टेक अप द किंगशिप. एंड ड्यूरिंग दिस रिबेलियन ए लॉट ऑफ टॉरी पार्टी एंड सेवरल ऑफ पोप्स फ्रेंड वेर इम्प्रिजन इन द टावर ऑफ लंडन. तो जो टावर ऑफ लंडन क्या है, मेन प्रिजन है लंडन की. ओके, एंड देन ही डिसाइडेड दैट ही नो लॉन्गर लिव इन लंडन. उसके बाद उन्हें जो टोरी पार्टी के जो राइटर्स थे उन्हें अंदर डाल दिया गया लंडन प्रिजन में. तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब उन्होंने उन्हें लंडन में नहीं रहना. एंड शिफ्ट टू ये जो अलेक्जेंडर पोप शिफ्ट टू टिकिंगहम. तो ये शिफ्ट हो गए थे उसके बाद में टिकिंगहम जो प्लेस है वहाँ पे. एंड लॉर्ड बायरन लव्ड पोप एंड ही रोट ए पोएम कॉल्ड इंग्लिश बार्ड्स एंड स्कॉच रिव्यूअर्स. तो जो राइटर थे लॉर्ड बायरन, उन्होंने पोप के लिए लिखा था
English bards and Scotch reviewers. This is a continuation of Pope tradition followed by John Lord Byron and he satires on contemporary writers in this work. Okay, तो जो contemporary writers थे उनके ऊपर उन्होंने satire किया और ये continuation है जो tradition वो चलाना चाहते थे पोप उसी का. इस पर किस टाइप का क्वेश्चन आता है एक बार देख लेते हैं हम. अलेक्जेंडर पोप रोट ए फेमस कपलेट टू सेलिब्रेट द इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी लाइन वॉज गिवन. तो कौन सी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी को वो फेमस कपलेट उन्होंने किसको लिखा किसके बारे में लिखा था. तो द आंसर इज अलेक्जेंडर पोप रोट दिस फेमस लाइन फॉर न्यूटन. तो उन्होंने न्यूटन के लिए फेमस लाइन लिखी थी. तो आपको याद रखना है फेमस लाइन फॉर न्यूटन. द लाइन्स आर नेचर एंड नेचर्स लॉ ले हिड इन नाइट गॉड सेट लेट न्यूटन बी एंड ऑल वाज लाइफ. इन दिस पोयम ही इज सेलिब्रेटिंग द आइडिया ऑफ न्यूटन दैट ऑल द कलर्स इन वाइट लाइट. ओके, तो इन्होंने ये न्यूटन के लिए पोयम लिखा है. तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको ये याद रखना है. एंड द फर्स्ट वर्क जो ऑफ अलेक्जेंडर पोप इज ओड टू सॉलिट्यूड एंड ही रोट दिस वर्क व्हेन ही वाज 12 इयर्स ओल्ड. तो ये जब 12 इयर्स के थे जब इन्होंने ये वर्क लिखा. ब्यूटीफुल क्लोजिंग लाइन्स है इसके अंदर. तो थस लेट मी लीव अनसीन एंड अनोन, हमने बहुत बार सुनी है, सबकी फेवरेट लाइन. थस लेट मी लीव अनसीन अनोन थस अनलिमिटेड लेट मी डाई स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड एंड नॉट टू स्टोल टेल वेयर आई लीव. ओके, तो दिस आर द क्लोजिंग लाइन्स ऑफ ओड टू सॉलिट्यूड. बहुत बार पूछी जाती है तो ये आप स्टार्टिंग का इसका याद रख लेना. ओके, द नेक्स्ट वन इज द नेक्स्ट वर्क ऑफ अलेक्जेंडर पोप इज पेस्टोरल. ये हीरोइक कपलेट में लिखा है. पोप लव क्लासिकल राइटर्स लाइक होमर दैट ही सेल्फ एजुकेटेड हिमसेल्फ. उन्होंने सेल्फ एजुकेशन लिया था. तो वो क्लासिकल राइटर्स जो होमर हैं उनको बहुत पसंद करते थे. हिज वर्क पेस्टोरल शोज हिज लव फॉर क्लासिकल ऑन रोमन पोएट वर्जिल वर्क्स एंड दिस पेस्टोरल इज बेस्ड ऑन स्टाइल ऑफ हीरोइक कपलेट. तो ये स्टाइल ऑफ हीरोइक कपलेट में इन्होंने लिखा है. ओके, एंड हीरोइक कपलेट क्या होता है? आर राइमिंग कपलेट्स ऑफ एम्बिक पेंटामीटर. जो राइमिंग कपलेट्स होती है पेंटामीटर में वो होती है. एंड इट कंटेन फोर शॉर्ट सीजनेबली थीम पोएम. दो सीजन के थीम पोएम्स होते हैं वो इन्होंने इसके अंदर लिखे हैं. द नेक्स्ट वर्क ऑफ अलेक्जेंडर पोप इज एसे ऑन क्रिटिसिज्म एंड इट इज़ नॉट ईजी. इट इज़ ए पोएम ऑन हीरोइक कपलेट. ये भी एक पोएम है हीरोइक कपलेट में, ये कोई ऐसे नहीं है. एंड इन इसलिए इसका नाम से कन्फ्यूज मत होना. ये नाम लिखा हुआ है ना एसे ऑन क्रिटिसिज्म, तो मोस्टली ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि ऐसे है, लेकिन इट इज़ ए पोएम. एंड इन दिस पोएम ही इज़ टॉकिंग अबाउट द फिलोसफी ऑफ राइटिंग, टॉक्स अबाउट हाउ राइटिंग शुड बी. तो कैसे राइटिंग होनी चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, उसके बारे में बात की है उन्होंने. एंड इट फिल्ड विथ ब्यूटिफुल एपिग्राम. एपिग्राम का मतलब होता है मीन्स शॉर्ट पोएम्स लाइक प्रोवर्ब आर वेरी ब्यूटिफुल. ओके, तो इसमें जो प्रोवर्ब्स है बहुत ही इन्होंने बहुत ही सुंदर सुंदर लिखे हैं. तो नेक्स्ट हम वर्क की बात करेंगे, वन ऑफ द फेमस वर्क ऑफ अलेक्जेंडर पोप, रेप ऑफ द लॉक. एंड दिस पोएम इज रिटन बाय मिस्टर पोप इन दिस वे. इन दिस पोएम इन द एंड ही मेंशन हिज नेम. तो इन्होंने पूरे लास्ट में अपना नाम मेंशन किया. एंड दिस पोएम इज रिवाइज 3 times. ये पोएम 3 times रिवाइज हुआ है. तो ये आपको याद रखना है, बहुत बार पूछा जाता है. फर्स्ट एडिशन कब हुआ इसका, कब आया था? फर्स्ट एडिशन 1712 में आया था. एंड कंटेन 2 cantos, इसमें 2 cantos थी. सेकेंड एडिशन 1714 में आया था जिसमें 5 cantos थी. एंड थर्ड एडिशन आया था 1770 में, स्पीच बाय क्लैरिसा विथ 5 cantos. तो लास्ट में स्पीच डाली थी इन्होंने क्लैरिसा की 5 cantos के साथ. ओके, तो ये बहुत बार या क्वेश्चन इनमें से डिफरेंट तरीके से पूछा जाता है, कन्फ्यूज ना हो के ये आप ज़रूर याद करिएगा. एंड
अर्लियर मीनिंग ऑफ द रेप मीन्स स्नैच और ग्रेप. जो रेप का मतलब क्या होता है, स्नैच और ग्रेप. एंड डिराइव फ्रॉम द रेप ऑफ द लॉ, द रेप डिराइव फ्रॉम लैटिन रेपेरे. जो लैटिन वर्ड है रेपेरे, उससे लिया गया है, इंक्लूडेड लेटर इन इंग्लिश एज रेप. ओके. एंड इन दिस पोयम लॉक ऑफ हेयर इज ग्रैप्ड, मतलब टेकन अवे. जो लॉक ऑफ हेयर मतलब कुछ बाल लेके चले गए. एंड दिस पोयम इज रिटन बाय पोप टू रिकनसाइल द डिफरेंस ऑफ कैथोलिक फैमिली विच डिड नॉट लाइक ईच अदर. तो जो एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, उनका रिकनसाइल कैसे हुआ कैथोलिक फैमिली का जो एक दूसरे को, तो उसके बारे में ये है. एंड द वन फैमिली स्टोलन ए लॉक ऑफ हेयर फ्रॉम अनदर फैमिली. ओके. तो इसमें कैसे एक फैमिली ने दूसरे के लॉक ऑफ हेयर चुरा लिए. एंड दिस माइनर इंसिडेंट ऑफ लॉक ऑफ हेयर इज क्रिएटेड लाइक ए मेजर इंसिडेंट इन दिस पोयम. और ये छोटा सा इंसिडेंट इतना बड़ा चढ़ा के बोला गया है इसमें, ये सारी स्टोरी इसके ऊपर. एंड द ट्रोजन वॉर रिटन इन इलियड एंड ओडिसी टू मेजर ग्रीक एपिक है ये इलियड एंड ओडिसी. एंड रेप ऑफ द लॉक इज क्वाइट सिमिलर टू दिस एंड आल्सो रिटन इन द सेम वे, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मॉक हीरोइक एपिक. ये भी ट्रोजन वॉर जो इलियड एंड ओडिसी ने लिखा है, ग्रीक एपिक जो दोनों है उसी की तरह लिखा गया है, इसीलिए हमें इसको बोलते हैं मॉक हीरोइक एपिक. ओके. तो ये आपको याद रखना है. एंड जॉन गे जो हमने लास्ट वीडियो अपनी करी है तो उसमें आप ज़रूर देखिएगा, बेगर ओपेरा एंड जॉनथन शिफ्ट गुलिवर ट्रैवल, जो ये दोनों है, एज वेल एज वर्क ऑफ अलेक्जेंडर पोप. थ्री ऑफ देम पोएम्स आर ट्राइंग टू टॉक अबाउट द कंडीशन ऑफ सोसाइटी. ये तीनों पोएम कंडीशंस बताना चाह रहे हैं सोसाइटी की उस टाइम की. एंड दे आर ऑल्सो अटेम्प्टिंग टू क्रिटिसाइज रॉबर्ट वॉलपोल. रॉबर्ट वॉलपोल कौन थे, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे. उनको ये क्रिटिसाइज करते हैं एंड हिज विक पार्टी एंड उनकी विक पार्टी को. और मैंने जैसे बताया ये सारे टॉरी पार्टी के हैं, तो ये विक पार्टी को क्रिटिसाइज करते हैं, रॉबर्ट वॉलपोल को क्रिटिसाइज करते हैं. एंड दिस पोएम इज डेडिकेटेड टू एराबेला, एराबेला फर्मर. ओके. एंड द गर्ल, द रियल गर्ल हुज लॉक वॉज कट बाई हिज लवर एंड बेस्ड ऑन हुज स्टोरी पोप रोट रेप ऑफ लक. जो एराबेला फर्मर है उन्हीं के नाम पे, द जो रियल गर्ल है वह एराबेला फर्मर है, जो हमने बिलिंडा जिसको नाम दिया है स्टोरी में. ओके. एंड द मेन एंटागोनिस्ट जो लॉर्ड पीटर है, रियल पीपल है ये भी. एंड यूरेनस इज ए ग्रीक गॉड हु हैज 27 मून. तो ये आपको याद रखना है, यूरेनस इज ए ग्रीक गॉड हु हैज 27 मून. ये जो कैरेक्टर्स है सारे आपको याद रखने हैं. एंड आउट ऑफ 27 थ्री कैरेक्टर्स ऑफ दिस वर्क रेप ऑफ द लॉक आउट ऑफ दिस थ्री मून्स, अम्ब्रियल एरियल एंड बिलिंडा. ओके. एंड लेट अस डिस्कस अबाउट द प्लॉट. प्लॉट में क्या है देखते हैं. एंड बिलिंडा इज द मोस्ट ब्यूटिफुल वूमेन एंड शी इज़ कॉल्ड फारिस्ट. ये जो स्पेलिंग मिस्टेक्स है काफ़ी इसमें, तो आप वो चेक कर लीजिएगा. लास्ट में मैं इसका जो स्लाइड दूंगी उसमें आप चेक कर लिए. एंड द बिलिंडा इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल वूमेन एंड शी इज़ कॉल्ड फेरिस्ट ऑफ द मॉर्टल, मतलब हेलन ऑफ ट्रॉय, जिसके वजह से ट्रोजन वॉर हुआ था. हेलन इज़ कॉल्ड द फारसिस्ट ऑफ मॉर्टल एंड अलेक्जेंडर पोप यूज द सेम फ्रेज फॉर बिलिंडा. तो इन्होंने भी सेम फ्रेज लिया है बिलिंडा के लिए. ओके. तो कैंटा वन में, जो कैंटो वन लिखा है इन्होंने, बिलिंडा गेट्स अप एंड शी गेट्स रेडी, वो उठती है और तैयार होने के लिए जाती है विद द हेल्प ऑफ सुपर नेचुरल गार्ड्स कॉल्ड एरियल एंड सिल्फ. तो वो उठती है और रेडी होने के लिए जाती है विद द हेल्प ऑफ सुपर नेचुरल गार्ड्स. ओके. एंड कॉल्ड एरियल एंड सेल्फ, दोनों उसको तैयार करने के लिए जाते हैं. हु हेल्प बिलिंडा एंड एरियल एंड सेल्फ इज गिवन द ड्यूटी टू
प्रोटेक्ट वर्जिन्स, और उनको ड्यूटी दी गई है कि जो भी वर्जिन है उनको प्रोटेक्ट करना है. एंड एरियल गेट द आइडिया दैट समथिंग बैड इज़ गोइंग टू हैपन, और उसके दिमाग में आता है कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला है. एरियल में सारे सिल्फ से कह दिया था कि वी हैव टू प्रोटेक्ट बिलिंडा फ्रॉम एनी मिसफॉर्चून, तो उसने सबसे बोल दिया कि भाई हमें कैसे न कैसे इसको कोई भी गलत काम होने से बिलिंडा को बचाना है. एंड फाइनली बिलिंडा ड्रेसेस अप एंड शी गोज टू हैम्पटन कोर्ट वे शी हैज़ टू प्ले द गेम ओम्ब्रे, तो उसको वहाँ पे जाना है ड्रेसअप तैयार होके जहाँ पे उसके गेम खेलने हैं ओम्ब्रे. तो गेम का नाम भी पूछा जाता है कई बार, तो ये भी आपको याद रखना है. एंड द डार्क ओमन एरियल, जो ओमन एरियल है इज़ टॉकिंग अबाउट इज़ द मैन कॉल्ड बैरोन, एंड बैरोन क्या है, लॉर्ड इज़ हैविंग इंटेंशन दैट ही स्टील दिस लॉक ऑफ एयर, तो सबको लगता है कि जो बैरोन है उसी ने लॉक ऑफ एयर को चुराया है. एंड ही वॉज द एडमायरर ऑफ बिलिंडा एंड ही वॉन्ट टू टेक रिवेंज, दैट इज़ वाई ही प्लान टू स्टील द लॉक ऑफ एयर, तो उनको लगता है कि इसीलिए उसने चुराया होगा. एंड दिस स्टीलिंग थिंग इज सिग्नल्ड बाय द डार्क ओमेन ऑन द होरिजन, एंड व्हेन बिलिंडा इज बिजी इन प्लेइंग ओम्ब्रे लॉर्ड बैरन यूज ए पेयर ऑफ सीजर विच ही वॉज बोरोड फ्रॉम क्लैरिसा, जो क्लैरिसा से वो लेके आया है सीजर एंड हु बिलोंग टू द अदर फैमिली, जो क्लैरिसा जो है वो अदर फैमिली से बिलोंग करें. एंड फाइनली डिसाइडेड टू गेट द लॉक ऑफ बिलिंडास हेयर, एंड व्हेन ही वॉज अप्रोचिंग बिलिंडा, जब वो पहुँचने वाला होता है बिलिंडा तक, सिल्फ आर वॉचिंग एंड ही ट्राइज टू डू थ्री टाइम्स एंड फेल्ड, एंड फाइनली फोर्थ टाइम ही मैनेजेस टू कट द हेयर, फोर्थ टाइम जो है मैनेजेस टू कट वन ऑफ द लॉक ऑफ द हेयर एंड अचीव्ड हिज विक्ट्री, वो फाइनली कट कर लेता है उसके और अपनी विक्ट्री मतलब जीत जाता है. एंड व्हेन बिलिंडा फाइंड दैट हर लॉक ऑफ हेयर इज कट शी एक्सट्रीमली एंग्री एंड स्टार्ट क्राइंग, और वो रोने लग जाती है, शी स्टार्ट क्राइंग. एंड अम्रियल जो सिल्फ है ये भी एक गो टू केव ऑफ स्प्लीन, देर इज़ ए क्वीन एंड दिस क्वीन इज क्वीन ऑफ सॉरो, जो क्वीन ऑफ सॉरो उसके पास जाता है एम्ब्रियल एंड गिव सॉरो टू द वर्ल्ड, और बोलता है कि सॉरो वर्ल्ड को दे दो, सॉरो ग्रीफ टीयर्स आर टेकन बाय एम्ब्रियल एंड गिव टू बिलिंडा, और ये सारी चीज़ें ग्रीफ जो टीयर्स एंड सॉरो ये सारी चीज़ें लेके आता है और बिलिंडा को दे देता है. बिलिंडा इज क्राइंग इन द आर्म्स ऑफ द वूमेन कॉल्ड थैलेट्राइस, तो ये एक उसकी गोद में जो थैलेट्राइस नाम की वुमेन के गोद में ये रो रही होती है. एंड बैटल इज़ गोइंग बिटवीन दिस टू फैमिलीज, दोनों के बीच में दोनों फैमिली के बीच में लड़ाई स्टार्ट है. एंड क्लैरिसा ट्राई टू काम डाउन बोथ द फैमिलीज, जो क्लैरिसा है दोनों को काम करने की कोशिश करती है. एंड द बैटल ऑफ कोर्ट स्टार्टेड एंड दे सटायर ईच अदर, तो बैटल ऑफ कोर्ट स्टार्टेड एंड दे सटायर एक दूसरे के ऊपर व्यंग करने लग जाते हैं. एंड बिलिंडा डिसाइडेड दैट शी इज़ गोइंग टू फाइट विथ बैरोन, एंड इवन बैरोन डिड नॉट फाइंड द लॉक, तो उसको भी लॉक नहीं मिलता. वो बिलिंडा डिसाइड करती है वो बैरन के साथ फाइट करेगी. एट द एंड ऑफ द पोएम वी फाइंड दैट लॉक हैज़ बिकेम ए कॉन्स्टिलेशन, मतलब ग्रुप ऑफ स्टार्स, जो लास्ट में हम देखते हैं कि जो उसके रेप ऑफ द लॉक जो है वो कॉन्स्टिलेशन बन गए हैं, मतलब ग्रुप ऑफ स्टार्स मतलब तारे बन गए हैं. एंड जो पोप के इस पे बिलिंडा लैपडॉग इज शॉक, ये सारी चीज़ें याद रखनी है. इसके में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं एक बार देख लेते हैं. पोप रेप ऑफ द लॉक इज पब्लिश्ड इन 1712 इन हाउ मेनी कैंटोस, तो 1712 में रेप ऑफ द लॉक आया था वो कितने कैंटोस में आया था, तो ये आपको बताना है. द आंसर इज टू कैंटोस, मैंने स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लिया था, ये आपको याद करना पड़ेगा. तो ये क्वेश्चंस पिछले सालों के पेपर से उठाए मैंने, तो आप ये ज़रूर याद करिएगा कि टू कैंटोस में 1712 में आया था. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिलिंडा लैपडॉग नेम इज, तो बिलिंडा के लैपडॉग का नाम क्या था, शॉक. ये जो मेन जो क्वेश्चंस है मैं इनके आंसर्स और इनके जो आपको इसीलिए प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से स्टोरी समझ में आ जाए. लास्ट में भी मैं आपको स्लाइड्स दूंगी, और जो ये है आपको इसका भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ये पीडीएफ बना के दे दूंगी. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन रेप ऑफ द लॉक पोप रिपीटेडली कंपेयर बिलिंडा टू, बिलिंडा को किससे कंपेयर करते हैं पोप बार बार,
तो द आंसर इज सन. बिलिंडा इज ए मून एंड इज ऑलवेज कंपेयर टू सन. तो वो मून है और उसको कंपेयर हमेशा किया जाता है सन के साथ. ओके तो ये क्वेश्चन था. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू. कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है. इट इज ए मॉक हीरोइक एपिक. इज इट राइट. यस इज इट. इट इज राइट. तो ये मॉक हीरोइक एपिक है, ये राइट है. इट इज रिटन इन हीरोइक कपलेट. इट इज ऑल्सो राइट. एंड इट इज डेडिकेटेड टू एराबेला फर्मोर. ये भी सही है. इट इज इन टू वर्जन्स बट पब्लिश थ्राइस. ये दो वर्जन में ही है लेकिन तीन बार पब्लिश हुआ है. तो ये भी सही है. तो ये स्टेटमेंट्स इसकी सही है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर प्लूम इज द कैरेक्टर इन. PLUME प्लूम. तो किसका कैरेक्टर है ये. अलेक्जेंडर पोप रेप ऑफ द लॉक में ये भी एक कैरेक्टर है. कैरेक्टर की लिस्ट भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अलेक्जेंडर पोप रिवाइज्ड रेप ऑफ द लॉक 3 times इन द फाइनल रिविजन ऑफ द लॉक पोएम 1717 ही इंसर्टेड ए स्पीच बाय. किसकी स्पीच उन्होंने लास्ट में इंसर्ट करी थी. तो द आंसर इज क्लैरिसा. आंसर इज क्लैरिसा. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंड टू द लॉक ऑफ हेयर एट द एंड. एंड में लॉक ऑफ हेयर का क्या हुआ. इट टर्न्स इनटू ए स्टार और कॉन्स्टिलेशन. वो एक स्टार बन गया, कॉन्स्टिलेशंस में कन्वर्ट हो गया. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन रेप ऑफ द लॉक बिलिंडा गार्डियन सिल्फ इन इज अनेबल टू प्रिवेंट बैरोन फैटल मिसचीफ. वो उसे नहीं बचा पाया. क्यों नहीं बचा पाया. तो आंसर इज सेल्फ रीडिस्कवर दैट देर इज ए अर्थली लवर हु इज रिसाइडिंग इन बिलिंडास हार्ट. उसे लगता था कि वो कोई लवर है जो उसके दिल में रहता है. जब को लड़की किसी लड़के के बारे में दिल में रखती है इसका मतलब वह वर्जिन नहीं है. और सिल्फ की ड्यूटी थी कि वो सिर्फ वर्जिन को प्रोटेक्ट करना है. एंड इन दिस केस बिलिंडा इज नॉट वर्जिन, इसीलिए वो उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया. तो ये इसका आंसर था. ओके एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज थाई इन्फीरियर प्रिटेस एट हर एट अ साइट ट्रम्बलिंग बिगेंस द सीक्रेट राइट्स ऑफ प्राइड इन द डिस्क्राइब ऑफ बिलिंडा एट द ड्रेसिंग टेबल. वॉट डज द वर्ड प्राइड रिफर टू. जो वर्ड मैंने प्राइड बोला है वो किससे रिफर कर रहा है. तो द आंसर इज वैनिटी. वैनिटी मतलब इन दिस पोप वॉन्ट टू टेल एस दैट पीपुल आर सो मच इन आउटर अपीरेंस एंड गिविंग अटमोस्ट इम्पोर्टेंस टू आउटर अपीरेंस इज कॉल्ड वैनिटी. जो हम दिखावा ऊपर का जो करके चलते हैं उसको वैनिटी बोलते हैं. वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस. जो प्राइड इज ऑल्सो रिफर टू मैन फर्स्ट सिन. जो घमंड होता है वो भी एक इंसान का पहला सिन है, अपराध है. वैनिटी ऑल्सो मीन्स प्राइड. ओके तो ये आपको याद रखना है. लेट अस डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट वर्क्स ऑल्सो. तो वर्क करते हैं हम. द नेक्स्ट वर्क इज विंडसर फॉरेस्ट. ये एक पोएम है. यू हैव टू रिमेंबर दिस विंडसर फॉरेस्ट. एंड दिस इज ए पोएम. अलेक्जेंडर पोप वेंट टू लिव इन विंडसर फॉरेस्ट आफ्टर कंपेक्टिंग प्राइमरी एजुकेशन. कंप्लीटिंग प्राइमरी एजुकेशन वो वहाँ जाके रहने लगे विंस्टर फॉरेस्ट में. एंड देर इज सम फैमिली प्रॉब्लम ड्यू टू विच ही हैड टू लिव इंग्लैंड एंड मूव टू विंस्टर फॉरेस्ट. वो फैमिली प्रॉब्लम थी उसके वजह से उन्हें इंग्लैंड छोड़ना पड़ा और उन्हें विंस्टर फॉरेस्ट में जाना पड़ा. एंड विंस्टर फॉरेस्ट इज ए हिस्टोरिक पोएम विच टॉक अबाउट द नेटिव विजन ऑफ विंस्टर फॉरेस्ट. तो ये एक हिस्टोरिक पोएम है. ये भी आपको याद रखना है. कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि हिस्टोरिक पोएम इन अलेक्जेंडर पोप ने कौन सा हिस्टोरिक पोएम लिखा है. तो ये भी आपको याद रखना है. एंड दिस वर्क गॉट द अटेंशन ऑफ जॉनथन शिफ्ट. तो जॉनथन शिफ्ट को इस वर्क की काफ़ी अटेंशन मिली. एंड एलिगी ऑन द मेम्बर ऑफ अनफॉर्चुनेट लेडी रिटन इन हीरोइक कपलेट. एंड दिस पोएम सेलिब्रेट द सुसाइड कमिटेड बाई लेडी हु रिजेक्टेड पोप्स लव. द नेक्स्ट वाला है एलिगी ऑन द मेमोरी ऑफ अनफॉर्चुनेट लेडी. ये क्या है, एक हीरोइक कपलेट में लिखा गया है. एंड दिस पोएम सेलिब्रेट द सुसाइड कमिटेड बाई लेडी हु रिजेक्टेड पोप्स लव. तो एक सुसाइड करा था जिस लेडी ने, जो पोप के प्यार को ठुकरा के चली गई थी, उसके बारे में उन्होंने लिखा है, एलिजी लिखी है. द नेक्स्ट इज इलियड एंड ओडिसी.
इलियड एंड ओडिसी एक ट्रांसलेशन है. दिस वॉज ट्रांसलेटेड बाई अलेक्जेंडर पोप. फर्स्ट ही अंडरटूक द ट्रांसलेशन ऑफ इलियड एंड ही सेड दैट आई विल पब्लिश वन वॉल्यूम इन वन ईयर एंड कीप ऑन पब्लिशिंग सिक्स वॉल्यूम. उन्होंने बोला था कि मैं एक साल में एक वॉल्यूम पब्लिश करूँगा. उन्होंने सिक्स वॉल्यूम पब्लिश की 6 साल तक. एंड ही देन स्टार्ट ट्रांसलेटिंग ओडिसी. उसके बाद में उन्होंने ओडिसी को ट्रांसलेट करना शुरू किया एंड बोथ दिस वर्क बिकेम पॉपुलर. और ये दोनों वर्क इनके खूब पॉपुलर हुए. एंड सैमुअल जॉनसन सेड दैट कमेंटेड ऑन दिस ट्रांसलेशन ऑफ इलियड एंड ओडिसी सेइंग दैट दिस इज ए परफॉर्मेंस ऑफ नो एज और नेशन कुड होप टू इक्वल. तो ये लाइन्स बहुत बार पूछी जाती है तो आपको ये लाइन्स भी याद रखनी है. एंड नेक्स्ट रिचर्ड रिचर्ड बेंसले ही सैड इट इज़ ए प्रिटी पोएम. और उन्होंने भी जो ट्रांसलेशन था उसके लिए रिचर्ड बेंसले ने भी बोला था, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, उन्होंने बोला था इट इज़ ए प्रिटी पोएम मिस्टर पोप बट यू मस्ट नॉट कॉल इट ओमर. ही क्रिटिसाइज द पोएम. इन्होंने क्रिटिसाइज किया था रिचर्ड बेंसले ने, और सैमुअल जॉनसन ने प्रेज किया था. तो आपको याद रखना है किसने तारीफ करी और किसने बुराई करी, वो भी हमें याद रखना पड़ता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसके ऊपर एक क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर लेते हैं. हु अमंग द फॉलोइंग ट्रांसलेटेड होमर. तो किसने ट्रांसलेट किया है होमर को? आंसर इज अलेक्जेंडर पोप. ओके. एंड द नेक्स्ट राइटिंग इज हीज एडिशन ऑन शेक्सपियर वर्क. हीज एडिशन ऑन शेक्सपियर वर्क. एंड आफ्टर ही फर्स्ट ही ट्रांसलेटेड इलियड एंड ओडिसी आफ्टर विच ही स्टार्ट वर्क ऑन शेक्सपियर. पहले उन्होंने होमर के इलियड एंड ओडिसी ट्रांसलेट किए, उसके बाद में उन्होंने शेक्सपियर के वर्क्स की तरफ ध्यान दिया. ही वॉज वर्किंग एज एन एम्प्लॉय अंडर द पब्लिशर हुज नेम वॉज जैकोब टॉमसन. तो ये पब्लिशर का नाम है जैकोब टॉमसन, उसके अंडर ये काम करते थे. ओके. तो लुइस थीबोल्ड ही क्रिटिसाइज द न्यू शेक्सपियरियन एडिशन रिटन बाय पोप. उन्होंने क्रिटिसाइज किया इस एडिशन को एंड ही रोट ए पैम्पलेट कॉल शेक्सपियर रिस्टोर्ड. और उन्होंने एक पैम्पलेट लिखी इसी पे, शेक्सपियर रिस्टोर्ड, इन विच ही कैटलॉग द एरर्स ऑफ अलेक्जेंडर पोप एंड सजेस्ट दैट ही हैड मेड ए बिग ब्लंडर व्हेन ही वॉज री राइटिंग द शेक्सपियरियन प्ले. तो उन्होंने बोला कि तुमने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है जब तुम ये रीराइट कर रहे थे शेक्सपियर प्ले. ही वॉज सो हर्ट बाई दिस क्रिटिसाइज दैट ही स्टार्टेड राइटिंग क्रिटिकल पीसेस फॉर ऑल सच राइटर्स बाई नेम. तो वो इतना दुखी हुए कि उसके बाद में उन्होंने बहुत ही क्रिटिकल पीसेस लिखने लगे, क्रिटिसाइज करने लगे जो भी उनको पसंद नहीं थे उन राइटर्स को. द नेक्स्ट राइटिंग इज डनकैट. द नेक्स्ट राइटिंग इज, आज थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आज ये कंप्लीट कर दें. डनकैड एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय जॉन ड्राइडन. डनकैड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय जॉन ड्राइडन एंड मैकफ्लॉक ने, जो हमने वीडियो इसकी भी बना चुके हैं हम, मैकफ्लॉक ने, उससे ये काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे. एंड इन दिस ही क्रिटिसाइज राइटर्स लाइक लुइस थीबोल्ड, जो हमने पहले भी पढ़ा है. इसमें भी उन्होंने लुइस थीबोल्ड को क्रिटिसाइज़ किया है क्योंकि उन्होंने इनको क्रिटिसाइज़ किया था जब इन्होंने शेक्सपियर के एडिशन निकाले थे. एंड बहुत ही प्यारे तरीके से क्रिटिसाइज़ किया है. यू विल बी सरप्राइज टू रीड दैट. एंड इट इज़ ए सटायर ऑन हैक राइटर्स. जो हैक राइटर्स थे उनके ऊपर ये व्यंग करते थे. आर राइटर्स, हैक राइटर्स कौन होते हैं? आर राइटर्स हु राइट एनीथिंग फॉर मनी, जो पैसे के लिए कुछ भी अनाप शनाप लिख देते हैं उनको हैक राइटर्स बोलते हैं. तो ये उनको क्रिटिसाइज करते हैं. ओके. तो हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी इसलिए आज हम इधर ही स्टॉप करेंगे. कल हम डनकैड को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही डिटेल में कल हम करेंगे. तो प्लीज़ मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको डेली के नोटिफिकेशन मिल सके. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव ए ग्रेट डे.